हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। हमने फर्स्ट 5 चैप्टर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स। When we study individual units, it is microeconomics. When we study as a whole, aggregate का जब हम लोग study करते हैं, it is called as macroeconomics. तो macroeconomics का पहला concept हम लोग study करते हैं, that is national income. ठीक है, very important, और बोलते हैं ना काफ़ी हमें आगे ज़्यादा भी काफ़ी पढ़ाई में आने वाला है, ऐसा एक topic है, it is national income. अब हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी कर रहे थे तब हम एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे वो नेशनल इनकम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज नेशनल इनकम, मतलब पूरी कंट्री का इनकम एज अ होल, टोटल एग्रीगेट हम लोग ले रहे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब जब मैं इनकम स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते कि मेरी इनकम है, ठीक है, मैं एक क्लास ओनर हूँ, मैं एक क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं, ठीक है, क्लासेस में, तो मेरी इनकम किसी और का एक्सपेंस, मेरी इनकम किसी और का एक्सपेंस होगा, स्टूडेंट्स का एक्सपेंस होगा, तब वो मुझे एज ए इनकम मिलेगा। तो मैं अपनी इनकम का टोटल लूँ या मैं स्टूडेंट्स के एक्सपेंस का टोटल लूँ, इट विल बी द सेम थिंग, एक ही चीज़ मुझे मिलेगा, टोटल विल बी सेम। अभी वो जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो एक्सपेंस किस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंस। तो फिर या तो मैं मेरी इनकम का टोटल लूँ, या तो मैं एक स्टूडेंट के एक्सपेंस का टोटल लूँ, या पब्लिक के जो भी है एक्सपेंस का टोटल लूँगा, या फिर मैं वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके वैल्यू का टोटल लूंगा, मुझे आंसर तीनों का सेम मिलेगा। तो ये नेशनल इनकम है, उसको नेशनल इनकम बोलो, नेशनल एस्टिमेट बोलो या नेशनल डिविडेंड बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम को ये लोग ने डिफाइन कैसे किया है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कह रहे हैं ये लोग, द मनी वैल्यू। अभी सपोज मैं अपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सारे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ला रहा हूं, ठीक है, कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं सबका टोटल लेके आ रहा हूं मैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मैं उसका वैल्यू लेके आ रहा हूं, तो उसका मनी वैल्यू क्यों कहा गया है, व्हाई इज इट सेड दैट मनी वैल्यू। क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता हमारे कंट्री का नेशनल इनकम 5 लाख किलो गेहूं, 10 लाख किलो चावल, 50,000 लीटर दूध, इतना रोज का हमारा नेशनल इनकम है, ऐसा तो कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। उसको मनी टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को मनी टर्म्स में, तब हम उसको नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फिजिबल इनफ होगा स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोल रहे हैं, फाइनल। अब वो फाइनल गुड्स क्यों बोला है, सो दैट उसमें डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स ना हो जाए, क्या ना हो जाए, डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स ना हो जाए। जैसे कि सपोज मैं एक शर्ट ले रहा हूं, ठीक है, तो शर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, शर्ट का वैल्यू लिया, शर्ट का वैल्यू वाज 1500, ओके, ठीक है, बट शर्ट के अंदर, शर्ट से पहले ये था क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ का वैल्यू 500 रुपीज था, तो हम लोग ने क्लॉथ का भी वैल्यू लिया, शर्ट का भी वैल्यू लिया। क्लॉथ बनने से पहले ये यार्न था, थ्रेड्स था, ठीक है, तो उसका वैल्यू था 200, हमने उसका भी वैल्यू लिया 200। यार्न बनने से पहले, थ्रेड बनने से पहले ये कॉटन था, उसका वैल्यू था 100, तो हम लोग ने कॉटन का वैल्यू लिया, यार्न का वैल्यू लिया, क्लॉथ का वैल्यू लिया और शर्ट का वैल्यू लिया, टोटल सब मिला के हो जाता है 2300, ठीक है, तो हमारा नेशनल इनकम आ गया 2300, बट ये शर्ट के अंदर ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ क्लॉथ वॉज इंक्लूडेड, क्लॉथ के अंदर ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ यार्न वॉज इंक्लूडेड, यार्न के अंदर ऑलरेडी कॉटन का प्राइस वैल्यू भी इंक्लूड था, तो एक ही चीज हम लोग अगेन एंड अगेन
कैलकुलेशन में ऐड किए जा रहे हैं। इसके लिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स है बिटवीन प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन होने से पहले जो भी गुड्स यूज होते हैं उसका वैल्यू हमें नहीं लेना है। क्या करना है, सिर्फ जो रेडी टू यूज है, कंजम्पशन के लिए यूज होता है डायरेक्टली, सिर्फ वही गुड्स का हमें फाइनल वैल्यू लेना है, फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना है, मनी वैल्यू। ठीक है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मनी वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ठीक है, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो ये हमें थोड़ा ब्रीफ हमने पढ़ लिया कि क्या होता है एग्जैक्टली नेशनल इनकम। अब बुक में क्या कहते हैं नेशनल इनकम उस पे आ जाते हैं। नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या आता है, तो फॉर्म्स है, फैक्ट्रीज है, शॉप्स है, मार्केट्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और दूसरे डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट टोटल मेजर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारी मिला के जो भी एक्टिविटीज हैं हमारी, ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। इकोनॉमिक नेशनल इनकम से हमारी इकोनॉमी का वेलफेयर इंडिकेटर है कि हमें पता चलेगा हमारी इकोनॉमी में कितना इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, लोगों की भलाई कितनी होती है, ठीक है, ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NIC नेशनल इनकम कमिटी बनाया गया था इन 1949 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। ये हमने 1949 में NIC नेशनल इनकम कमिटी बनाया और वहां से हमने रेगुलर हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था। एट प्रेजेंट अभी कौन कर रहा है, तो CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों वर्ड्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, दोनों अंडरलाइन कर देने हैं। कंपाइल्स एंड पब्लिशेस द डेटा ऑन नेशनल इनकम एंड एलाइड एग्रीगेट्स, उसके रिलेटेड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सारी चीजें CSO एवरी ईयर पब्लिश करता है। मीनिंग देखते हैं, मॉडर्न इकोनॉमी इज ए मनी इकोनॉमी, अभी सब कुछ मनी से रिलेटेड है, कोई भी काम, एनीथिंग, एनी पर्पस ऑफ द लाइफ ऑफ द इकोनॉमी हमारे कंट्री का, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी, दैट्स व्हाई मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ऑब्वियसली हमें कोई भी चीज इन टर्म्स ऑफ मनी ही कैलकुलेट करना होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और हमको वो बोलते ना आगे पॉलिसीज फ्रेम करने में भी काम आएगा, कंपैरिजन करने में भी काम आएगा। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम, हमारी पूरी कंट्री का इनकम, टोटल इनकम जो होता है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम क्या होता है, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, जाते हैं, प्रोडक्शन होते हैं इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में, ठीक है, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एक डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है, मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि हम नेशनल इनकम कमिटी का जो डेफिनेशन है वो पढ़े, ठीक है। डेफिनेशन पहला, नेशनल इनकम कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑगस्ट 1949 with Professor P.C. Mahalanobis as chairman and Professor D.R. Gadgil and Dr. V.K.R.V. Rao as the members, ठीक है, ये तीन महानुभूति थे जिन्होंने ये definition दिया है। A national estimate, see I told you, national income हो, national estimate हो, national dividend हो, it is to be considered as same, हमारी understanding के लिए हम तीनों को same रखेंगे, ठीक है। नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, ठीक है, वॉल्यूम क्या मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, ये क्या करता है, मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्नड आउट, टर्नड आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड, क्या होता है उसका मतलब, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, काउंटेड
क्या है? काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब डबल काउंटिंग किसी भी तरह का नहीं है, नो डबल काउंटिंग, नो डबल काउंटिंग, ठीक है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, अभी हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते हैं, तो जब नेशनल इनकम मैंने स्टार्ट किया तो क्या कहा, इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल नहीं स्टडी कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, एज अ होल एग्रीगेट पूरी कंट्री का, दैट्स व्हाई इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रेदर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं स्टडी कर रहे, पूरी इकोनॉमी का होल एज अ टोटल एग्रीगेट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हेंस इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने पहले ही कहा आपको, क्या कहा मैंने आपको, जो फाइनल रेडी फॉर कंजम्पशन है, क्या है, फाइनल रेडी फॉर कंजम्पशन है कंज्यूमर के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, वो हम आगे कंजम्पशन करने वाले हैं, क्या करने वाले, डायरेक्टली उसका कंजम्पशन, वो सीधा किसके पास जाने वाला है, कंज्यूमर, उसमें आगे कोई प्रोसेसिंग होने वाला नहीं है, ठीक है, वो ही गुड्स हम लोग जो कंज्यूम करने वाले हैं, कंजम्पशन के लिए लेने वाले हैं, उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसीडर्ड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ शर्ट्स, ठीक है। हम लोग जब शर्ट का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो डायरेक्टली शर्ट्स का वैल्यू लेंगे, कॉटन का वैल्यू इंक्लूड करना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कॉटन का वैल्यू शर्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, ओके एवरीवन। उसके बाद नेट एग्रीगेट वैल्यू इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। सी, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, जब भी हम लोग नेट वर्ड यूज करते हैं इट मीन्स समथिंग is deducted, ठीक है, something is deducted। हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कब होता है, जब उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तब, बराबर है। तो यहां पे हम लोग नेट इनकम, सॉरी नेट एग्रीगेट ले रहे हैं हम लोग, पहले क्या ले रहे हैं हम लोग, नेट एग्रीगेट वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर नेट एग्रीगेट मतलब कुछ डिडक्ट करेंगे तो हम लोग को यहां पे क्या डिडक्ट करना है बताएं, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है, क्या करना है, डेप्रिसिएशन हम लोग इसमें से डिडक्ट कर देंगे, ओके। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते नहीं है, डेप्रिसिएशन हम लोग उसमें डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बोल रहे हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब डिडक्ट करके एक्चुअल जो इनकम आउट ऑफ इंडिया से आया, तो अपना आउट ऑफ इंडिया से इनकम क्या रहता है, आउट ऑफ इंडिया से हमको इनकम कैसे जनरेट होता है, तो हमको इनकम जनरेट होता है एक्सपोर्ट्स करने से, किससे होता है, एक्सपोर्ट्स। से फॉर एग्जांपल मैंने आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किया 100 रुपीज का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन सामने मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट भी किया 50 रुपए के गुड्स, 50 रुपीज के गुड्स मैंने इंपोर्ट भी किए हैं, तो मेरा नेट एक्चुअल में एक्सपोर्ट कितना हुआ, तो सिर्फ 50 रुपीज हुआ, तो वही इंक्लूड करेंगे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड ही इंक्लूड करते हैं, दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे। अभी आउट ऑफ इंडिया से और एक इनकम आता है, क्या आता है, रिसीट्स, RECEIPTS, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज रिसीट्स फ्रॉम एब्रॉड। सपोज मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहा था तो मुझे वहां से जो इनकम जनरेट हो रहा है इट इज कॉल्ड एज रिसीट्स फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो दूसरा एक होता है कि मेरा भाई आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने गया,
तो यहां से मैं उसको खर्चे के लिए पैसे भेजता हूं, मैं क्या करता हूं यहां से उसको खर्चे के लिए पैसे भेजता हूं, तो मुझे पेमेंट्स भी भेजने पड़ते हैं आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया से रिसीट्स आता भी है लेकिन आउट ऑफ इंडिया पेमेंट्स जाता भी है। तो एक्चुअल में अपने इधर कितना पैसा है, तो सपोज रिसीट्स हुआ था मेरे को 100 रुपीज का और मैं पेमेंट भेज रहा हूँ 30 रुपीज का, तो एक्चुअल मेरे को रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड नेट कितना मिला, तो कितना मिला, मैंने 100 रुपीज आ रहा था, 30 रुपीज में भेज रहा था, तो मेरे को 70 रुपीज मिला, तो दैट इज माई नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, वो मेरा क्या है, रिसीट्स माइनस माइनस पेमेंट्स, आर माइनस पी, याद रखना है ये चीज। ठीक है, नेट रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड है वो, दैट्स व्हाई आर माइनस पी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आर माइनस पी। ठीक है एवरीवन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड रिसीट्स माइनस पेमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेट ले रहे क्योंकि उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दिया, यहां से हम लोग ने जो आउट ऑफ इंडिया पेमेंट भेजा है वो भी माइनस कर दिया। फिर है फाइनेंशियल ईयर, इंडिया के अंदर हम लोग फाइनेंशियल ईयर कौन सा काउंट करते हैं, फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च, बराबर है, अकाउंट्स में यही सिखाया तुम लोग को सर ने, यस। देन इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कंटिन्यूस बेस पे जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्या है, कंटिन्यूस चलता रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। हम लोग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं डेफिनेशन में सबसे पहला ही मैं ऐसा बोलता हूं, द मनी वैल्यू, क्या है मनी वैल्यू, बिकॉज इट इज आवर मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी इकोनॉमी, मनी बेस्ड है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन में कंपैरिजन में अच्छा हो इसके लिए हम लोग ये मनी वैल्यू में लेते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका हम लोग मनी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी। ठीक है, ओके ओके, अभी ये क्या है, आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूं। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। अभी हमारी इकोनॉमी है उसमें दो जन है, एक है हमारे हाउस होल्ड भाई साहब, मतलब एक घर हमारे जैसे नॉर्मल कंज्यूमर, और दूसरे है हमारे फर्म्स जो प्रोडक्शन करते हैं, फर्म्स दे डू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी ये हाउस होल्ड वाले जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, इनको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर देते हैं। ठीक है, और उसके बदले में फर्म्स इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फैक्टर पेमेंट मिलता है, क्या मिलता है फैक्टर पेमेंट। ठीक है, लैंड के ऊपर मिलता है रेंट, लेबर के ऊपर मिलता है वेजेस, कैपिटल के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे होता है ये। अभी फर्म्स क्या करते हैं, हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, तो उसके बदले में ये लोग अपने एक्सपेंडिचर करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेंडिचर्स। अभी एक ये हो गया, ये अपना इकोनॉमी है। ठीक है, टू फैक्टर इकोनॉमी है, यहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, यहां पे ये लोग ने लैंड लेबर कैपिटल दिया उसके बदले में फैक्टर ऑफ पेमेंट मिल गया, यहां पे ये लोग ने गुड्स एंड सर्विस दिया उसके बदले में एक्सपेंस करके ये लोग ने उसका पेमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया अपना कंप्लीट, ये हमारा
टू फैक्टर इकोनॉमी है, सर्कुलर फ्लो हो गया। अभी हाउसहोल्ड को जो इनकम होता है, इनकम इज डिनोटेड एज वाई, तो वो क्या करता है, वो इनकम दो चीजें आती है, एक वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लिया उस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, क्या करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पे ये मॉडल के अंदर आपको नहीं है पढ़ने में, बट फ्यूचर में आएगा कभी, एक और मॉडल रहता है, एक और थर्ड रहता है जिसको हम कहते हैं बैंक, क्या कहते हैं उसको हम लोग बैंक, लेकिन आपको वो नहीं है तो अभी जाने दो वो। लेकिन इनकम हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अभी सारे पैसे तो हम खर्चा करने ही देंगे, थोड़े पैसे हम क्या करेंगे सेव करेंगे, तो थोड़े पैसे हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने क्या बोला, अभी पहले आपको दो ही फैक्टर्स थे, एक था हाउस होल्ड और एक था फर्म, तीसरा फैक्टर जो आता है आपको नहीं है दैट इज बैंक, ठीक है दैट इज बैंक। चौथा फैक्टर जो आता है वो है गवर्नमेंट, वो कौन है गवर्नमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी के अंदर, क्यों, ये हाउस होल्ड के पास से भी टैक्स लेता है और ये फर्म्स के पास से भी टैक्स लेता है, लेकिन कभी कभी इनको सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक है ओके एवरीवन। तो गवर्नमेंट ये इनकम, हाउस होल्ड के पास जो इनकम था बेचारे ने कंजम्पशन किया और इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उससे पहले इसने क्या किया टैक्स पे किया, क्या किया टैक्स पे किया। तो सी प्लस आई, तीसरा एक आता है वो है जी, मतलब गवर्नमेंट को पैसा दिया, किसको दिया जी, मतलब गवर्नमेंट को पैसा दिया, किसको दिया गवर्नमेंट को पैसा दिया, ठीक है ओके एवरीवन। फिर मैंने क्या बोला, हाउस होल्ड फर्म्स बैंक आया गवर्नमेंट आया, ठीक है। अभी एक और फैक्टर आ जाता है फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करता है लैंड लेबर ये सब यहां पे भी देता है, और फर्म्स क्या करता है यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज देता है, क्या देता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके बदले में यहां पे होता है प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फर्म से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और हाउस होल्ड को क्या मिलता है रिसेट्स माइनस पेमेंट, क्या मिलता है रिसेट्स माइनस पेमेंट। लेकिन ये रिसेट्स माइनस पेमेंट कब हम लोग इंक्लूड करते हैं, जब हमको डोमेस्टिक इनकम नहीं नेशनल इनकम फाइंड करना है, तो ही इसके लिए अपना जो जीडीपी का फॉर्मूला है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ये अपना जीडीपी का फॉर्मूला मिल गया अपने को, क्या मिल गया जीडीपी का फॉर्मूला, ठीक है। इनकम नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, आई जो हम लोग ने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, जी जो हमने गवर्नमेंट के पास से टैक्स पे किया, एक्स माइनस एम जो हम लोग ने आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया, ये सब मिला के हमारी इकोनॉमी का नेशनल इनकम डिराइव करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जगह पे ग्रॉस नेशनल कर रहे हैं, तो यहां पे एक और चीज ऐड हो जाएगा रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, क्या ऐड हो जाएगा रिसीट्स माइनस पेमेंट, ठीक है एवरीवन ओके। तो स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू प्रोसेस वेयर बाय द इकोनॉमिक्स मनी रिसीट्स एंड पेमेंट फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर कंटिन्यूअसली थ्रू द टाइम। टू सेक्टर इकोनॉमी जो हम लोग ने पढ़ा, पहला हाउस होल्ड और बिजनेस, वहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थ्री सेक्टर वहां पे हाउस होल्ड है, बिजनेस फॉर्म है और गवर्नमेंट सेक्टर है, इसके लिए सी प्लस आई प्लस जी गवर्नमेंट का हिस्सा चला गया। फोर सेक्टर है हाउस होल्ड बिजनेस फॉर्म्स गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो गया, क्या हो गया एक्स माइनस एम हो गया। द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स इन टू सेक्टर मॉडल, यहां पे आपको सिर्फ टू सेक्टर ही पढ़ना है, इससे ज्यादा है ही नहीं आपको, ठीक है। इसके लिए आप ज्यादा टेंशन लो ही मत,
क्या है, हाउस होल्ड है, फॉर्म्स है। हाउस होल्ड ने क्या किया, लैंड लेबर कैपिटल यहां पे गया, ठीक है, उसके बदले में यहां पे क्या आ गया, फैक्टर इनकम्स आ गए, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यहां से क्या हुआ, फॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहा है, तो उसके बदले में ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर्म को मिल जाता है। तो ये देखो, ठीक है, ये आउटर सर्कल और ये इनर सर्कल दोनों मिला के हमारा सर्कुलर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक है। अभी वापस थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओके, सबसे पहला दिया है जीडीपी, क्या दिया है, जीडीपी। अभी ये हम लोग ने जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मैं यहां पे लिख के रखता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, हमारी कंट्री का जीडीपी, इससे हमको पता चलता है हमारी कंपनी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। अभी तुम लोग ने लास्ट ईयर ऐसा सुना रहेगा, ऐसा बहुत ये आ गया था, न्यूज फैल गया था कि हमारा जीडीपी 23% गिर गया, हमारा जीडीपी 23% गिर गया, बट ऐसा जीडीपी हमारा कभी 23% गिरा नहीं है। अगर हमारी कंट्री का जीडीपी कम हो जाता है तो जीडीपी 23% कम होता है तो हमारी कंट्री तो बहुत नीचे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। तो हमारी जीडीपी का ग्रोथ 23% कम हुआ था, क्या जो ग्रोथ जितना होना चाहिए उसके जगह पे 23% कम हुआ था, वो भी फर्स्ट क्वार्टर में, जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर रहता है ना, उसमें सिर्फ हमारा जीडीपी का ग्रोथ कम हुआ था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमारा जीडीपी कम हो गया। तो थोड़ा एक डिफरेंस समझना रहता है हमको जीडीपी, ओके। तो ये क्या है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हम लोग ने अभी फॉर्मूला निकाला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अभी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, वो हमको मिलता है जीडीपी, वो हमको मिलता है, क्या मिल रहा है वहां से, जीडीपी। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है हमको, जीडीपी के जगह पे ना एनडीपी चाहिए, क्या चाहिए, एनडीपी, जीडीपी के जगह पे क्या लिया अपन ने, एन लिया, सिर्फ एन का डिफरेंस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी सेम रखने का, उसमें से अभी ये जीडीपी में एन मतलब क्या है पता है, नेट, एन का मतलब क्या है, नेट, नेट का मतलब मैंने तुमको अभी बताया था ना, नेट बोले तो समथिंग इज डिडक्टेड, समथिंग इज डिडक्टेड, तो ये जीडीपी में से हम लोग क्या माइनस करेंगे पता है, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स, क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फाइनल गुड्स, तो हमको ये जीडीपी के जगह पे मिल जाएगा एनडीपी। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है, मेरे को जी वापस चाहिए, ये डी हटा डालो, क्या करो, डी हटा डालो, तो डी हटा के वापस उनको डी के जगह पे एन लाने का है, क्या लाने का है, डी के जगह पे एन लाने का है, जीएनपी चाहिए, क्या चाहिए, जीएनपी। तो अभी यहां पे एनडीपी में एन का मतलब था नेट, तो यहां पे जीएनपी में एन का मतलब होता है नेशनल, क्या होता है, एन का मतलब नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस जीडीपी लेंगे, और वो जीडीपी में नेशनल है ना, पहले डोमेस्टिक था, अभी क्या है, नेशनल। तो अभी मैंने पिछला पढ़ाते सर्कुलर फ्लो पढ़ाते वक्त क्या बोला, कि अगर हमको नेशनल चाहिए तो वहां पे एक ही चीज ऐड करना है, जीडीपी प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट, ठीक है, जीडीपी प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सिंपल इज दैट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
अभी ये लोग क्या बोल रहे पता है, हमको g के जगह पे भी n चाहिए और d के जगह पे भी n चाहिए, मतलब n n p, नेट भी है और नेशनल भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये GNP तो मिल गया ना अपने को, GNP में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, GNP में से सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने क्या बोला कि नेट मतलब क्या होता है, समथिंग इज डिडक्टेड, तो इधर हम लोग ने डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आया, ये NNP, GDP, NDP, GNP और NNP। ओके, वापस एक बार पूरा, GDP C plus I plus G plus X minus M, consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and export minus import। उसके बाद NDP, नेट मतलब समथिंग इज डिडक्टेड, तो हम लोग क्या करेंगे, GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर डालेंगे, तो अपना GDP का NDP हो जाएगा। अभी ये लोग ने क्या किया, GDP का GNP कर दिया, बोले तो नेशनल प्रोडक्ट कर रहा है। अब नेशनल मतलब मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही बोला, वहां पे रिसीट्स माइनस पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड कर देना है, तो GDP में R प्लस R माइनस P कर दिया, अपने को GNP मिल गया। अभी ये लोग क्या बोल रहे, नेट भी है, नेशनल भी है, प्रोडक्शन है, तो GNP तो था अपने पास, उसमें से हम लोग ने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो अपने को मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर, एकदम इजी मस्त था। एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सिर्फ और सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ये जरूरी है डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक बोला है ना तो डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ये सब फॉर्मूला आपको पता है अपने को। NDP अभी क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर। तो इसके लिए क्या किया, GDP में से अपन ने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, अभी वापस जो नेट था उसको ग्रॉस कर दिया, लेकिन डोमेस्टिक को हम लोग ने नेशनल किया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री विच इज एस्टिमेटेड टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से। ठीक है, मीन्स द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड एनुअली, ऐसा नहीं बोला विद इन द बाउंड्रीज, ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज बोला नहीं है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम GDP का फॉर्मूला, लेकिन प्लस क्या किया, रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम एब्रॉड। ओके, रिसीट्स एंड पेमेंट फ्रॉम एब्रॉड, फिर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स, हमारे यहाँ के जो रेसिडेंट्स है, बाहर जाके भी इनकम लेके आए ना तो भी चलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर, नेट नेशनल GNP में से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।